ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ पबजी मोबाइल से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। जैसे कि जो गेम में आप ब्लू जोन देखते हैं वो असल में कोई तूफान नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो कि पुराने टाइम में वॉर्स के दौरान यूज़ की जाती थी अपने दुश्मनों पर अटैक करने के लिए। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़मीन पर बिछा दी जाती थी और जो भी उस फील्ड में कदम रखता था उसे ज़ोरदार झटका लगता था और यहाँ तक कि उनकी मौत भी हो जाया करती थी। और दोस्तों, अगर आप पबजी खेलते हैं तो आप जानते ही होंगे कि लास्ट में जीतने के बाद आपको एक मैसेज दिखाई देता है, विनर विनर चिकन डिनर। दोस्तों, उसके पीछे भी एक रीज़न है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, और ऐसी और भी कई चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको पबजी खेलना पसंद है बिल्कुल मेरी तरह, तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू करते हैं और कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। लेकिन उससे पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस गेम का निर्माण ब्रैंडन ग्रीन ने किया था, जिनको बचपन से ही गेमिंग का काफ़ी शौक था, लेकिन वो कोई हार्डकोर गेमर नहीं थे। जब उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की तो वह डीजे, फोटोग्राफर और फोटो डिज़ाइनर का काम करने लगे, और उसके बाद उनकी शादी हो गई। लेकिन कुछ ही समय बाद उनका डाइवोर्स भी हो गया, जिसके बाद उन्होंने गेम्स को और भी ज़्यादा टाइम देना शुरू किया, और इसी के साथ साथ वो वेब डिज़ाइनिंग भी सीखने लगे। धीरे धीरे अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए वो गेम्स की कोडिंग भी चेंज करने लगे, और फाइनली वो गेम्स को मॉड करना भी सीख चुके थे। और दोस्तों, इस समय तक उन्हें कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और मॉडिंग दोनों की ही नॉलेज हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने गेम आर्मा 2 का मोड बनाया। और दोस्तों, इस मोड में वो द हंगर गेम्स मूवी से इंस्पायर्ड थे, जिसका मेन एम होता था कि एक आइलैंड पे 100 लोगों को छोड़ दिया जाता था खाना पीना और हथियार के साथ, और लास्ट में कोई सिर्फ एक ही बचता था। और दोस्तों, हंगर गेम से ही इंस्पायर होकर उन्होंने ये मोड बनाया। और दोस्तों, इतना ही नहीं, जब वो आर्मा 2 खेला करते थे तो शुरुआत में जो प्लेयर को नाम दिया जाता था वो बाय डिफॉल्ट प्लेयर 1 दिया जाता था, लेकिन कुछ समय खेलने के बाद उन्होंने अपना नाम चेंज करके प्लेयर 1 से प्लेयर अननोन रख दिया, क्योंकि वो उन्हें ज़्यादा कूल लग रहा था। और दोस्तों, इसलिए वो गेमिंग की दुनिया में ब्रैंडन ग्रीन के अलावा प्लेयर अननोन के नाम से भी जाने जाते हैं। और दोस्तों, यही एक रीज़न है कि अगर आपने पबजी की फुल फॉर्म प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड पर ध्यान दिया होगा तो प्लेयर अननोन और कोई नहीं ब्रैंडन ग्रीन ही है। उन्होंने अपने नाम पर ही ये गेम बनाया। दोस्तों, इस समय तक उन्हें मॉडिंग की और गेमिंग की काफ़ी नॉलेज हो गई थी, और बस अब उन्हें इंतज़ार था एक मौके का, जो कि उन्हें एक साउथ कोरिया कंपनी ने दिया, जिसका नाम था ब्लू होल स्टूडियोज। और ब्लू होल स्टूडियोज के डायरेक्टर ने ब्रैंडन ग्रीन को उनके मोड जैसे एक गेम बनाने के लिए हायर किया, और वो खुद भी 10 साल से एक गेम बनाने के बारे में सोच रहे थे। यहाँ पे ब्रैंडन को अपनी मंजिल मिल गई और फाइनली उन्होंने पबजी गेम का निर्माण किया। और क्योंकि वो पहले कई गेम्स खेल चुके हैं तो उन्हें सारे गेम्स की कमजोरियां और पावरफुल चीज़ें पता थी, और उन्होंने ये सारी ही चीज़ें पबजी मोबाइल गेम में इंक्लूड की, और यहाँ तक कि उन्होंने इरेंगल वाला मैप भी खुद ही डिज़ाइन किया था। गेम के पूरे होने के बाद सन 2017 में पबजी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा स्टीम पे लॉन्च किया गया, और दोस्तों सिर्फ एक महीने में ही पबजी गेम की 2 मिलियन कॉपीज से ज़्यादा बेची गई। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लू होल स्टूडियोज़ ने पबजी मोबाइल गेम की बिल्कुल भी एडवर्टीजमेंट नहीं दी थी। भले आप आज टीवी पे पबजी मोबाइल की एडवर्टीजमेंट देखते हो, लेकिन शुरुआती दौर में उन्होंने एक भी पैसा एडवर्टीजमेंट पे खर्च नहीं किया था। पबजी के फेमस होने के पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, जो कि उसका लाजवाब गेम प्ले, जिसमें हम अपने दोस्तों के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों से आगे निकलने के लिए ही ये गेम और भी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। 2017 के एंड तक पबजी मोबाइल लगभग दुनिया भर में फेमस हो गया था, जिस वजह से आगे चल के पबजी को 2 35th गोल्डन जॉयस्टिक अवार्ड, 1 द गेम अवार्ड 2017, 2 डाइस अवार्ड्स 2017 में मिले, 3 SXSW गेमिंग अवार्ड्स 2018 में मिले, और 1 36th गोल्डन जॉयस्टिक अवार्ड दिया गया। और ये सारे ही अवार्ड्स उन्हें सिर्फ एक साल के अंदर दिए गए, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। ये तो बात हो गई सेल्स की और अवार्ड्स की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पबजी इन ऐप परचेजेस से काफ़ी ज़्यादा अर्निंग करता है? ये बात है, जब पबजी की प्री बुकिंग शुरू हुई थी तो प्री बुकिंग के साथ एक वर्चुअल बैंडना जिसकी कीमत थी $1000, वो कई लोगों ने परचेज किया। पहले तो वो क्रेट्स में मिल जाया करता था,
लेकिन अब वो क्रेट्स में भी नहीं मिलता, जिस वजह से ये काफ़ी यूनिक हो जाता है और करोड़ों लोगों ने ये $1,000 का वर्चुअल बैंडाना भी खरीदा, जिस वजह से पबजी का नेटवर्थ और इंक्रीज हो गया। और जो मैं कह रहा था कि जब हम पबजी मोबाइल का गेम जीत जाते हैं तो लास्ट में एक मैसेज आता है, विनर विनर चिकन डिनर। तो दोस्तों इसके पीछे की स्टोरी है कि एली क्रैप्स में एक गेम खेला जाता था और उस गेम में अगर कोई जीतता था तो विनर विनर चिकन डिनर बोला जाता था, जिसका मतलब था उसके पास इतने पैसे हैं कि वो उस रात चिकन डिनर कर सकता है। और दोस्तों आज अगर मैं बात करूं ब्रैंडन ग्रीन के नेटवर्क के बारे में तो वो है $5 बिलियन, जो कि किसी भी गेमिंग डेवलपर के लिए काफ़ी बड़ी अमाउंट है, वो भी इतने कम समय में। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।